ज्योत्सना और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मसाला मुरमुरे। जी हाँ, मसाले मुरमुरे को आप चाय के साथ खा सकते हैं और इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मसाला मुरमुरे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल पफ राइस, जिसे हम मुरमुरे कहते हैं, एक छोटा बाउल पफ मखाने, भुना हुआ जीरा, नमक, हल्दी, राई, चाट मसाला, करी पत्ता और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मसाला मुरमुरे। सबसे पहले हम इंडक्शन को ऑन करेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे, हमने ऑयल डाल दिया है और देखिए जैसे ही गर्म होगा उसके बाद इसमें हम राई डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे। बस देर है तो थोड़ा सा गर्म होने की। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें आप डालेंगे राई, राई चिटक रही है इसका मतलब हो गया है। करी पत्ता डालेंगे इसमें, इंडक्शन को एकदम स्लो करेंगे हम। स्लो करने के बाद इसमें हल्दी डालेंगे ताकि हल्दी जले नहीं। नमक डालेंगे, नमक आप चाहे तो ऊपर से डाल सकते हैं लेकिन हमने साथ में इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से मिल जाए। इससे पहले कि हल्दी जले हम मुरमुरे डाल देंगे इसमें। मखाने डालेंगे, और मिक्स करेंगे। हमने इसमें मिर्च नहीं डाली है, हम ये बच्चों को खिला सकते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा डालेंगे, चाट मसाला आप चाहें तो साथ में डालें या बाद में डाल सकते हैं, और इसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। ये देखिए बनकर तैयार है, बस इसे अब हम बाउल में निकाल लेंगे। तो देखा आपने, रेडी है हमारे मसाला मुरमुरे। आप इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं और आपका जब मन करे तब खा सकते हैं, लेकिन खाते वक्त अगर आप इसमें नींबू मिलाएंगे तो इसका मज़ा और बढ़ जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।